हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम है आपका मेरे चैनल में, रुक्मणी फैमिली ब्लॉग्स में। और कल हम अपनी लव स्टोरी के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, और लव स्टोरी पहुंची थी कि हाँ, हमारे अफेयर को एक महीना मतलब बीता था, बात उत करते हुए मतलब एक महीना बीता था। तो फिर हमको पता चला कि हमारे अलावा भी ये दो लड़कियों से और बात करते हैं। तो फिर जब पता चला और हमने इनसे पूछा कि आप सच में किसी से बात करते हैं, तो ये बोले कि नहीं, हम किसी से बात नहीं करते, वो ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो फिर धीरे 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 पता चला कि हाँ, ये सच में किसी से बात करते हैं। फिर इनसे मैंने पूछा, ज़बरदस्ती की झगड़ा होगा, बात करना बंद हो गया, बात नहीं कर रहे थे हम लोग। फिर पूछा तो फिर इन्होंने बोला कि हाँ करते हैं। दूसरे लोग भी बताते थे, इनके फ्रेंड्स लोग भी, हाँ ये बात करते हैं। वो इन्हीं की कास्ट की थी। एक बात और है मेरी लव मैरिज में, मेरी कास्ट अलग है और इनकी कास्ट अलग है। ये यादव हैं और हम कहार हैं, गौड़, जिसके पीछे लग कहार जो गौड़ होते हैं। और इस वजह से हमारी फैमिलीज में और प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनको पता चला कि ये बात करते हैं किसी से, दो लड़कियों से बात करते थे। एक से तो इनका 7 साल से अफेयर था और एक से 3 साल का अफेयर था, मतलब बहुत पुराने पुराने रिलेशन थे इन लोगों के। तो फिर हमको पता चला किसी से, तो हमने पूछा, ये पहले आना कानी करने लगे, नहीं बताते थे। तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके पता चला। फिर ये क्या करते थे सुबह में, इन्होंने टाइम बांध रखा था हमसे बात करने का, सुबह में 7 बजे से पहले बात कर लेते थे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी बात कर ले जाते थे करते थे। फिर शाम को 8 बजे के बाद ये बात नहीं करते थे, कहते थे कि हम 8 बजे के बाद सोते हैं क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी रहती, क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ाते थे ये वहाँ के मतलब मैजिक थी, वो चलाते थे, बच्चों को लेकर आते थे गाँव से जाकर। तो ये कहते थे 8 बजे के बाद हम सो जाते हैं खाना वाना खाकर, और हमको गाड़ी चलानी रहती, तो इस वजह से हम रात वेस्ट नहीं करते अपनी, हम जल्दी सो जाते हैं। तो ये 8 बजे के बाद हमसे बात नहीं करते थे, डेली ऐसे होता था। तो एक दिन हमने क्या किया, चेक करने की वजह से हमने सोचा कि देखते हैं कि ये सच में सो गए कि क्या कर रहे हैं। तो हमने मतलब 10 या 11 बज रहे थे रात में, तो हमने फ़ोन मिलाया तो इनका फ़ोन वेटिंग जा रहा है। एक बार मिलाया, फिर मैंने 5-10 मिनट वेट किया कॉल करते हैं कि नहीं, तो फिर उन्होंने नहीं किया कॉल। तो उसके बाद से फिर मैंने कॉल मिलाया, 12 बज गए, तो फिर इनका फ़ोन वेटिंग जा रहा है। और हमें उतना गुस्सा लग रहा है कि कह रहे थे हम सो जाते हैं और इनका इतनी रात को फ़ोन वेटिंग जा रहा है। और उसके बाद से जब पता चला कि, तो इन्होंने तब तो फ़ोन नहीं किया, उस रात को फ़ोन नहीं किया, इन्होंने जब दूसरे दिन सुबह फ़ोन किया तो हमने इनसे पूछा कि आप कहाँ बात कर रहे थे, तो कह रहे हैं हम बात नहीं कर रहे थे, मेरा दोस्त मेरे मोबाइल से बात कर रहा था, हम तो सोए थे इसलिए अगर हम बात करते तो आपका फ़ोन तो उठाते ही ज़रूर। तब जान गए कि ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद से हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसे 2-3 दिन के बाद मैंने दो तीन दिन बात की। फिर उसके बाद से फिर हम अपनी बुआ के वहाँ शादी में गए थे, तो इसके बाद ये गए हम लोगों को छोड़कर चले आए, मम्मी को, हमको, मेरी सिस्टर को छोड़कर वहाँ चले आए। तो उसके बाद से इन्होंने बात की 8-9 बजे तक, उस दिन थोड़ा देर तक की थी तो की बात इन्होंने। फिर उसके बाद से फ़ोन इन्होंने रख दिया। तो उसके बाद अब शादी का घर जहाँ होता है वहाँ देर तक तो सब लोग जगते हैं, और उसके बाद से फिर देर तक हम लोग जग रहे थे। फिर उसके बाद से 1 बज गया सबको मेहंदी उंदी लगाते हुए, 1-1.5 बज गया। तो उसके बाद हमने कहा कि देख आप फ़ोन मिलाए, देखे सो गए हैं कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद से फिर हमने फ़ोन मिलाया इनको, तो फिर इनका फ़ोन वेटिंग जा रहा है, 1 बजे रात में वेटिंग जा रहा है फ़ोन। तो फिर मैंने एक ही बार उस दिन फ़ोन मिलाया, फिर उसके बाद से मैंने कॉल नहीं किया दोबारा कभी, ना मॉर्निंग में फ़ोन किया इनको ना नाइट में कभी, मतलब उस टाइम के बाद से मैंने दूसरे दिन तक फ़ोन ही नहीं किया इनको, सुबह में भी फ़ोन नहीं किया। जी फ़ोन कर रहे थे तो हम कट कर दे रहे थे, बात करने के लिए उठा ही नहीं रहे थे फ़ोन, ये बार बार फ़ोन कर रहे थे तो हमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर। हम के जो इंसान झूठ बोलकर बात कर रहा है वो रिश्ता पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कैसा होगा। और हमारी तरफ से तो रियल था। देखिए फ्रेंड सब होते हैं लाइफ में, सबके फ्रेंड होते हैं, लेकिन कोई एक खास होता है। तो हमारे भी फ्रेंड थे, लड़के भी हमारे फ्रेंड थे, लड़कियाँ भी थीं, लेकिन सबको पता था कि हमारे फ्रेंड कौन है कौन नहीं,
लेकिन जो एक खास होता है ना, वो कोई एक ही होता है। तो फिर ये वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ जिस दिन शादी थी वहाँ पहुँच गए। शाम के टाइम गए हम, बोले उले नहीं इनसे, तो इनका मैंने फ़ोन चेक किया, इन्होंने नंबर डिलीट मार दिया था। फिर मैंने इनको कसम दी हम कि अगर सच में कुछ है, अगर सच में कुछ प्यार टाइप का है, लव टाइप का है, तो आप बताइए किससे बात कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि हाँ हम उससे बात कर रहे थे और हम बात करते हैं। तो जिससे ये बात करते थे, उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्ची भी थी उसके पास। इन लोगों का अनमैरिड से पहले, उस लड़की का इनसे बहुत पहले से अफेयर था, शादी से पहले तक। वो शादी के बाद भी इनसे बात करती थी। तो उसके बाद से हमने बोला, कुछ बोले नहीं, हम सुन के रह गए। फिर उसके बाद से बहुत हल्का हो गया, नॉर्मली हो गया बात उत करना। फिर उसके बाद ऐसे एक दिन हम बोले इनसे, ठीक है देखिए आप जिससे बात करते हैं हमको भी दिखाइए, और भी हमको भी उनसे मिलना है। ये उनको बताया था कि हम किसी से बात करते हैं, और ये हमारे और उसके अलावा एक लड़की से और बात करते थे, वो इन्हीं की कास्ट की थी। तो इनके घर वाले कह रहे थे कि उनसे इनकी शादी होगी। तो फिर इसके बाद से ये बोले ठीक है दिखाएंगे। तो ये इन्होंने उनसे बात की कि हम उनको मिलवाने के लिए ला रहे हैं। तो फिर हम मिलने कहाँ गए, गोरखपुर, गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में गए। इन्होंने एक कॉल किया उनको, वो आई और मिली। तो मैंने कहा अच्छा, अगर रियल में हम लोगों में कुछ है तो आप इनसे अभी बोलिए कि मतलब एक किसके लिए इनको बोलिए, देखिए देती हैं ये पब्लिक प्लेस है कि क्या करती हैं, कैसा एटीट्यूड है इनका, या आपके मन में क्या चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि सच में उनको किसके लिए कह दिया। तो फिर वो भी कह रही है, इतने सारे लोग थे, वो भी कह रही है क्या हुआ किसी तो है यहीं पे ले लो। और फिर उसके बाद से मतलब हम उनको वहीं पर छोड़ के चले आए, बाहर मंदिर से बाहर चले आए, मार्केट जहाँ दुकानें वकानें लगती हैं। गोरखपुर तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, गोरखपुर का मंदिर भी, गोरखनाथ बहुत मशहूर है, आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसके बाद से हम बाहर चले आए इनको छोड़ के। तो ये आए पीछे पीछे, मतलब उसको छोड़ दिए वहीं पर, उस लड़की को। तो ये भी पीछे पीछे आए, कह रहे क्या हुआ। हम कि आप, आपके मन में अभी भी पाप है, तो मैंने एक छोटी सी बात कही आपका टेस्ट लेने के लिए, तो आप सच में उसको कह दिए और वो भी तैयार हो गई। ये किस तरह का लव है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो कह रहे आप ही तो बोली थी। हम कि हम बोले थे तो हम बोलेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे, जहर खा लीजिए तो जहर खा लेंगे, तो ऐसा वैसा मतलब बोले। तो उसके बाद से ये वो उससे बात नहीं की, फिर वो चली गई। इनके पास आई तो वो ये उनसे उतना बात नहीं, वो बोली हम जा रहे हैं। तो ये बोले ठीक है जाओ तुम। वहाँ से घर तक चले आए, मैंने इनसे बात नहीं की बिल्कुल भी। तो मैंने इनसे कहा कि अगर मुझसे रिलेशन में रहना है मेरे साथ, तो उससे एकदम से बात करना छोड़ना पड़ेगा आपको। तो पता नहीं सच की झूठ, तब हमारे सामने तो मतलब बात नहीं करते थे, फिर फ़ोन भी इंगेज नहीं जाता था। फिर इन्होंने क्या किया, रात रात भर बात करना हमसे चालू किया। मतलब जैसे रात में उससे बात करते थे, फिर उससे नहीं, छोड़ दिया उन्होंने धीरे धीरे करके। फिर हमसे बात करने लगे रात में, एक एक बजे तक, तीन तीन बजे तक, चार चार बजे तक, पूरी रात बीत जाती थी बात करते करते। तो फिर धीरे धीरे मतलब एक लोगों का तो अफेयर हमने उनसे अलग करवाया, फिर अभी एक लोग बाकी थी। तो इनके फ्रेंड्स बोले कि ये सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाते, मतलब दौड़ने जाते थे, तो ये भर्ती उर्ती पुलिस की देखते थे, तो वो लड़की भी आती थी सुबह में दौड़ने के लिए। ये बोले कि सवेरे उनको डेट करते हैं ये, इनके दोस्त लोग बोले कि डेटिंग करते हैं ये। तो हमने इनसे पूछा, तो ये भी बात सच निकली धीरे धीरे। तो इनसे मैंने पूछा पूछा, तो इन्होंने बताया। तो बोल हमने बोला अगर हमारे साथ रिलेशन में रखना है तो ये सब आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके बाद से ये बोले ठीक है हम नहीं बात करेंगे। तो मैंने इनका वो नंबर ही, सिम ही तोड़वा दिया, मतलब इन्होंने वो सिम चेंज कर दिया, फिर दूसरा नंबर लिया। फिर उसके बाद से फिर हम लोग बात करने लगे नॉर्मली, मतलब फिर उसके बाद बात करने लगे। अब आगे क्या बताए, आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और बाय।